क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी, जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए, और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के, बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें, और जो बनी भी रही थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज है, बताओ एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही कि नहीं जा रही ग्रोथ, कहां 10% और कहां 7%। डेयरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नंबर एक है, उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार थी तो 3 अमूल आए थे उस समय, एमओयू हुए थे, और तीनों के तीनों जमीन पर है आज। आपने कौन सा नया प्लान लगा दिया बताइए आप? बनारस भी समाजवादी सरकार का था, जो न जानता हो तो उसको दोबारा कागज दिखवा दीजिए, आप पता कर लीजिए। अब इनको आनंद भेज दीजिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, एमडी से मिलने के लिए। आपके पराग की क्या स्थिति है? पराग को क्या कर रहे हैं आप? और यूपी का काऊ मिल्क प्लांट मैंने कन्नौज में लगाया था, काऊ मिल्क प्लांट, उसमें टेट्रा पैकिंग थी, वो प्लांट कभी नहीं चला टेट्रा पैकिंग का। मैं एक दिन दौरे पर गया, मैंने कहा देखो क्या हालत है इसकी। जब जाकर के मैंने देखा और मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि ये काऊ मिल्क प्लांट है, इसमें मिल्क किसका है, कहां से मिल्क, क्या काऊ है उसका मिल्क है? बोला नहीं सर, हम मिक्स कर लेते हैं। सोचिए, काऊ मिल्क प्लांट में मिक्स करके दूध का प्रोडक्ट बना रहे थे, ट्रैक्टर पैकिंग की मशीन नहीं चली। और जब बाहर जाकर के मैंने देखा गेट के पास पटिया किसकी उद्घाटन की लगी थी, देश के प्रधानमंत्री जी की और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की। सवाल यह नहीं कि मैंने समाजवादियों ने बनाया था जनता के लिए, सवाल यह कि उद्घाटन के बाद जिन्होंने उद्घाटन किया, इस सरकार ने क्यों बंद कर दिया? देश के प्रधानमंत्री का उद्घाटन की पटिया लगी है, मथुरा की सांसद की पटिया लगी है, लेकिन आपने क्यों बंद कर दिया? क्योंकि नेता सदन किसी को बजट ही नहीं दे रहे, इसलिए बंद कर दिया। ये बजट ही नहीं दे सकते किसी को, अगर वो देने को भी कहते होंगे तो हम उनके बगल में जो बैठे हैं वो दे ही नहीं सकते किसी को। वहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है, फूड पार्क बन रहे थे, क्या हुआ फूड पार्क के लिए? सपना दिखा रहे थे मलियाबाद के आम, क्या किया आपने मलियाबाद के आम के लिए? भाषण सुनिए आप इनके। जो मेगा फूड पार्क बना था बहेड़ी में, 300 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, 328 एकड़ जमीन पर जितना काम समाजवादियों ने किया, उसके बाद सरकार ने एक पैसा नहीं दिया उसको। और कितने मैं बताऊं ऐसे उदाहरण दूं मैं आपको, बहुत एक्सप्रेसिव बनाए हैं आपने, एक्सप्रेसवे स्टेट है। हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं कि सबसे ज्यादा डिजाइन अगर किसी ने किए तो समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे किए थे, और अगर आपने नेता सदन डिजाइन किया होता वो एक्सप्रेसवे तो पखनपुरा पे नहीं रुक जाता। और वो दूसरा ग्राम सभा कौन सी है? पखनपुरा हैदरिया। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां तक समाजवादी सरकार में डिजाइंड था, जितना अलाइनमेंट था, जितना लैंड एक्विजिशन के लिए मार्क किया गया था, वहीं तक बनाया, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़ाया सरकार ने, और इसी वजह से घाटे में है।
घाटे में है, और क्वालिटी तो इतनी अच्छी क्वालिटी थी। खैर कुछ चीजों के लिए तो हमें धन्यवाद देंगे नेता सदन आप। एक वीडियो मैंने लगा दिया था, उसके बाद आपकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हुई। उसके बाद रफ्तार से कोई चला आ रहा था, पूरी गाड़ी चली गई अंदर, पूरी गाड़ी अंदर। कैसे निकला होगा वो गाड़ी से, और गाड़ी कैसे निकाली हुई उस गड्ढे से, एक्सप्रेस वे, पूरी गाड़ी अंदर यात्रियों के संग, वो एक्सप्रेस वे आपका। और मैं दावा करता हूं सदन में नेता अध्यक्ष महोदय जी, समाजवादियों ने अगर डिजाइन नहीं किया होता उस तरह का, तो कभी भी देश के प्रधानमंत्री अपना हरकुलस लेकर के उस एक्सप्रेस वे पर नहीं उतर पाते। और जितने हमारे नेता थे उस समय मंत्री थे, सबके उस पर पटिया पे नाम दे, सब हटा दिया इन्होंने। आपका घाटे में है कि नहीं है? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अलाइनमेंट बदल दिया, झांसी से बनना था चित्रकूट से बना दिया, और अभी चित्रकूट नहीं जुड़ा है इसमें। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी गए, पूरा ढह गया। लोग डर रहे चलने में, अगर लोग डरेंगे चलने में तो कैसे मुनाफा आएगा? सब टोल घाटे में, घाटा ही घाटा। और इसलिए घाटा हो रहा है क्योंकि आप मंडियां नहीं बना रहे, आप किसानों को सुविधाएं नहीं दे रहे। ये एक्सप्रेस वे केवल शहर को जोड़ने के लिए नहीं थे, गांव को जोड़ने के लिए थे। और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ा लेके ले जाए, इसलिए था। और ये दो एक्सप्रेस वे तो मैंने बोल दिया, एक और बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता, थोड़ा सदन के जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो जरूर कहेंगे वो तो आपका था एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। अच्छा तब ठीक है, आप बताना ये जरूर, ये गंगा एक्सप्रेस वे इनका था? उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, आ जाओ। नहीं वो सच थोड़ा बहुत बता देंगे सरकार को। जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाने वाले थे वो नंबर 2 से लुढ़क करके जाने कहां पहुंच गए हैं, और कितना नीचे जाएंगे कोई नहीं जानता। जो नंबर 2 पे थे, वैसे 2 नंबर ही अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, जो 2 नंबर पे थे वो कहां पहुंच गए, अब कैसे ऊपर आओगे आप? और दोस्त की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त होता है। बोलो दोस्त के साथ खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए आप लोग? दोस्त की पहचान तभी तो होगी बुरे वक्त।